मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ, रेडी हुई। अब हम करिश्मा की आरती लीजिए। मैंने इसको बोला ये तोड़ा क्यों नहीं, अब इतना लंबा मैं कैसे खाऊं। छोटा उसको घुमा के। एक करिश्मा ही ऐसी लड़की है जिसने मुझे मोटी नहीं कहा और बाकी सब ने मोटी कहा, क्योंकि हम दोनों सेम हुए शायद। की हूँ अल्मोड़ा और ये देखो मुझे मिठाई फ्री में मिल रही है। आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा काफल कहाँ होते हैं वो बताना, ठीक है? मुझे खुद काफल तोड़ के खाने हैं फ्रेश फ्रेश पे। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो मुझे कब को कुछ काम भी है और कल मैं अल्मोड़ा जाने वाली हूँ, तो आज करिश्मा से भी मिल लेती हूँ। तो आज मैं जाने वाली हूँ करिश्मा के घर। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मैं छाता भी नहीं लेके गई हूँ और गाड़ी भी नहीं आ रही है। पैदल पैदल जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा धूप है, पता नहीं कौन सी वाली बारिश हो रही है। अब गाड़ी एक नहीं आ रही और मैं इसके नीचे खड़ी हूँ ताकि बारिश कम आए, बट फिर भी आ रही है। धूप भी है, बारिश भी है, आई डोंट नो क्या आएगी। मुझे नहीं लगता बारिश ज़्यादा दूर तक आएगी, लेकिन फिर भी आ सकती है, क्योंकि मैं छाता नहीं लेके आई हूँ। करिश्मा आ चुकी हूँ कपकोट में, गाड़ी मिल चुकी थी मुझे। ये करिश्मा नहा धो के आज रेडी हो रखी है, कहाँ जा रही है? मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ, रेडी हुई। अब हम करिश्मा के घर जा रहे हैं क्योंकि टेलर के हाथों में चली गई थी। अब ये है करिश्मा की गली। करिश्मा आज क्या क्या लेके जा रही है? अच्छा मैं पूरी टीम लेके आ रही। हाँ A few moments later. तो गाइस करिश्मा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेके आई है, पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। बिहाइंड द सीन भी डालूंगी। तो गाइस करिश्मा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेके आई है, पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। तो करिश्मा की मम्मी ने चाय भी बना दिया गाइस, ये रही चाय। और ये रहा करिश्मा का नया फोन। ये किसकी, ये फोटो में किसकी लगाई है तूने फोटो? ओह ये करिश्मा का नया फोन, रील्स बना, इससे रील्स बनाती है, सिर्फ रील्स बनाने के लिए रखा है ये फोन, बाकी वाला फोन यूज करती है। अच्छा है, आजकल नहीं बनाती रील्स? बनाती हूँ पर आजकल टाइम नहीं रहा है। यो गाइस करिश्मा बना रही है मेरे लिए मैगी। इसको तोड़ा क्यों नहीं तूने? ये करिश्मा की मम्मी और चारों दिशाओं में चार करिश्माएं हैं। कैसी तो दिख रही है करिश्मा, तू जैसी नहीं है ये। बताओ बता बता बता। A few moments later. ये करिश्मा ने बना ली है मैगी, अच्छे से आरती उतार संजीव कपूर के साथ। मैंने इसको बोला ये तोड़ा क्यों नहीं, अब इतना लंबा मैं कैसे खाऊं। छोटा उसको घुमा के खाना यार। चल इसको तेरा टास्क गरम हो रही ना अभी। Three hours later. Guys, हम लोगों ने 3 घंटे तक गप्पे मारी, ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं हुआ। और मैं कब तो बनाया। उसने तो बनाया ही नहीं। और बता मैं मोटी हुई नहीं हूँ? नहीं मैं हुई हूँ। नहीं एक करिश्मा ही ऐसी लड़की है जिसने मुझे मोटी नहीं कहा और बाकी सब ने मोटी कहा, क्योंकि हम दोनों सेम हुए शायद। नहीं करिश्मा तो पतली है। अब चलते हैं घर को क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं। क्या दे रही है मुझे 3 डिब्बों में? अब हम जा रहे हैं गाइस। और ये है कपकोट का प्लेइंग ग्राउंड, क्योंकि यहाँ कपकोट के सारे बच्चे खेलने आते हैं, अभी शाम को भी आए हुए हैं। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और घर पे पहुँचते ही मैं करा रही हूँ चंपी, क्योंकि फिर चंपी कराने का मौका नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कल मुझे जाना है अल्मोड़ा। तो आज मैं रात भर इनसे चंपी करवाऊंगी, है ना गंचू? पहले इसकी टर्न है, फिर उसकी टर्न है, फिर वहाँ पे ममता की टर्न है, फिर ललिता की टर्न है। चलो चलो मेरी चंपी करेंगे। The next day. आज मैं जा रही हूँ अल्मोड़ा क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन होने वाली है, उसकी डेट आ चुकी है और प्रैक्टिकल भी होंगे, तो उसकी डेट अभी आई नहीं है, तो प्रेजेंटेशन है इसलिए मुझे अल्मोड़ा जाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनानी हुई है, अभी तक मैंने नहीं बनाई है। और फिर इसके लिए मुझे आज अल्मोड़ा निकलना पड़ेगा। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, मम्मी खाना बना रही है, खाना खाती हूँ मैं, रेडी हो चुकी हूँ, फिर चलती हूँ, ठीक है? और देखते हैं आज गाड़ी मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि गाड़ी के मामले में मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तभी मिलती ही नहीं है। गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, टकली लग रही ना, देखते हैं गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है, पर से आएगी गाड़ी, वेट करना पड़ेगा। अभी सुबह 7:30 बजे हुए हैं और मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पे वेट करना पड़ा,
क्योंकि अभी मुझे एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है जो भराड़ी से सीधे बागेश्वर जाए, तो थोड़ा वेट कर लेती हूँ। और आ चुकी है गाड़ी। गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूँ बागेश्वर। अब मुझे यहाँ से चेंज करनी है गाड़ी, बस स्टेशन तक जा रही हूँ। बस लगी होगी तो बस में जाऊंगी, अदरवाइज फिर मुझे टैक्सी में जाना पड़ेगा। अभी तो दुकानें बंद है बागेश्वर की, कुछ कुछ खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। आज मौसम भी बारिश वाला हुआ है, बस बारिश हो जाए मज़ा आ जाएगा। बस स्टेशन पे पहुंचते ही मुझे आज बस भी मिल गई जो अभी सीधे स्टार्ट हो चुकी है जाने के लिए। और टाइम पे मैं जब आती थी तो मुझे आधे घंटे से भी ज्यादा बस स्टेशन पे भी वेट करना पड़ता था। और ये रहा प्यारा सा नजारा। आज मुझे रास्ते पे बहुत सारे पर्पल कलर के पेड़ भी दिखे जिसमें पर्पल कलर के फूल खिले हुए थे। और आज मुझे बस में इतनी मस्त सीट मिली, देखो पूरी बस खाली है। मैंने अपने दोनों पैर आगे रखे हुए हैं, बैग भी सीट पे रखी हुई है, मेरी बगल की सीट भी खाली है। ओवरऑल मुझे लास्ट वाला जो मेरा सफ़र था घर आने का, उसके कंपेयर में ये सफ़र ज़्यादा अच्छा था। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अल्मोड़ा। और ये देखो मुझे मिठाई फ्री में मिल रही है। आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती टेस्ट करने के लिए एक छोटा वाला दिया, फिर एक्स्ट्रा एक और बड़ा वाला भी दे दिया। आई डोंट नो क्यों दिया, मैंने मांगा भी नहीं, खुद हाथ में रख लिया था। और मुझे डाउट हो रहा है इसमें जहर तो नहीं है। और यहाँ भी बारिश होने वाली है आज। A few moments later. Guys, finally मैं पहुंच चुकी हूँ और हाथ में भी धो लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मुड़ा में भी गर्मी होने लगी बागेश्वर के कंपेयर में, ठीक है। और घर से मैं क्या लाइन दिखाती हूँ, ये है मट्ठे की बोतल, हम मट्ठा पीऊँगी इसमें। और इसमें अदरक है, ये लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं ना, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा अदरक था तो मैंने मम्मी को अदरक भी पैक करने को बोल दिया है। इसमें स्ट्रॉबेरी भी डाली है मम्मी ने, खुलेगा नहीं है। अदरक है और स्ट्रॉबेरी है। अब लोगों को चाय के लिए अदरक नहीं खरीदने पड़ेगा, अब ये बहुत देर तक चल सकता है। एंड गाइस मेरी रूममेट भी नहीं आई है, वो दो तीन दिन में आ जाएगी, तो अभी हॉस्टल खाली खाली सा लग रहा है। मैं भी रूम पे बोर हो चुकी हूँ, मैं सो जाती हूँ, ये लैपटॉप पे मूवी देखती हूँ हॉलीवुड की। अभी चल रही है टॉम एंड जेरी मूवी। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब कि मुझे ना मूवी ऐसे पसंद है मिस्टीरियस टाइप के, भूत वाली सबसे बेस्ट मूवी कौन सी होती है, भूत वाली। मुझे भूत वाली मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो रात देखने में मज़ा आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि सबसे हॉरर मूवी कौन सी है, ठीक है। ओके ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, रात भी हो चुकी है और सो जाते हैं। मैं सो गया नहीं, नींद तो आई हुई है क्योंकि सफ़र से आके सर दर्द हो जाती है। और मूवी भी देखती हूँ जब ना देख पाती हूँ, टॉम एंड जेरी वाली देखती हूँ, पता नहीं कैसी है। एनिमेटेड मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, फिर भी देख ले रही हूँ और चीज़ें। बाकी आप लोग मुझे सजेस्ट करना, ठीक है, भूलना मत, क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं रहता ना कौन सी मूवी अच्छी है। कंचना के अलावा मैंने और कुछ हॉरर मूवी देखी हुई है, ठीक है। एंड हाँ एक चीज़ और पूछनी थी, मतलब आप कल संडे है ना, तो कल मैं संडे को जाऊंगी आउटिंग में मुझे कहाँ जाना है, काफल तोड़ने जाना है। तो अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा काफल कहाँ होते हैं वो बताना, ठीक है। मुझे खुद काफल तोड़ के खाने हैं, फ्रेश पेड़ से तोड़ के, इसलिए ये भी बता देना कि सबसे ज़्यादा काफल कहाँ होते हैं। एक बार जब हम साईदेव मंदिर गए थे तो उस एरिया में हुए थे, उसके अलावा और कहाँ होते हैं काफल, फटाफट से कमेंट में बताना ताकि मैं कल सुबह तक प्लान बना पाऊँ जाने का। ओके जल्दी से बताना, ये चीज़ फॉरगेट मत करना, जल्दी से बता देना। बाय, सही नहीं रहा, ओके सो जाओ, गुड नाइट।